हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत सीधे अपने गांव से। तो बहुत दिनों के बाद आज सभी के लिए व्लॉग आ रहा है, 3-4 दिनों के बाद आज हम व्लॉग बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मौसम दिखाता हूँ। अब 3-4 दिनों के बाद प्लान बना रहे हैं कि चनाब वैली चलेंगे। मैं बहुत दिनों से आप सभी के लिए चनाब वैली के लिए रुका था। मैंने कहा एक बार आप लोगों को चनाब वैली घुमा देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। शायद 4 या 5 को हम यहाँ से चनाब वैली निकल जाएंगे अगर मौसम साफ रहेगा तो। तो फिलहाल तो अभी हम आजकल इधर रोड पर रनिंग कर रहे हैं, लगभग 3-4 दिन हमको हो चुके हैं। ये रही दोस्तों हमारी रोड, जो कि अब दौड़ने के लिए काफ़ी बढ़िया है। पिछले कुछ महीने पहले तक यहाँ पे उस तरह की रोड नहीं हुआ करती थी, मतलब कच्ची रोड थी, गाड़ी तो आती थी लेकिन दौड़ने के लिए नहीं था। लेकिन अब 2-4 महीने पहले से यहाँ पे डामरीकरण स्टार्ट हो चुका है, तो अब दौड़ने के लिए काफ़ी बढ़िया हो गया। अब मतलब अब कोई बहाने नहीं है कि भाई अपने गाँव में भी रोड नहीं है। अब इससे पहले तक दिक्कतें तो होती थी यार, क्योंकि यहाँ पे ना कोई फील्ड है जहाँ पर कि हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, ना ही रोड थी। तो अब काफ़ी सहूलियत हम लोगों के लिए हो चुकी है, रोड बन चुकी है, डामरीकरण वाली रोड बन चुकी है। अगर रोड ब्लॉक भी होती है ना तो वो गाड़ियों के लिए दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी बताएंगे आप लोगों को कि कहाँ पर से हम रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कहीं कहीं पर बीच में कुछ इस तरह का है जहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है कि नहीं। उसके बाद इधर रोड है अपनी और सामने पे रोड है, क्योंकि इधर स्लाइड जोन है ना, इसलिए आपको यहाँ पे इसी तरह का दिखेगा। अगर यहाँ पे रोड बन भी जाएगी, जब तक यहाँ पे दीवार नहीं जाएगी तब तक यहाँ पे दिक्कत होती रहेगी। तो यह है दोस्तों, यहाँ पे से रनिंग करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक दौड़ना हमको, ये यहाँ पे तक, ये अपना एक्सरसाइज पॉइंट है। यहाँ से उधर रोड है उधर तक, यहाँ से उधर एक बैंड है, उसको घूम करके यहाँ पे आना है हमको, मतलब वहाँ से घूम करके वहाँ पे आना है और यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की रनिंग स्टार्ट। हाँ बेटा, जान बेटे स्कूल, हेलो की हाँ जी, हेलो कौर, हेलो हेलो दोस्तों, वो है हेलो दोस्तों, स्कूल जा रहे हैं बोला हम। डंडा तुम अभी भी ली जाए,
खाना तुम्हारे आगड़ में बना या गैस में? आगड़े में। तो ये देखो दोस्तों, कुछ इसी तरह से जब हम भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हम भी पर डे सुबह एक डंडी ले करके जाते थे, मतलब एक लकड़ी ले करके जाते थे। अगर भाई साहब जो नहीं ले जाता था ना, उसको मुर्गा बनाया जाता था, उसकी पिटाई करी जाती थी। मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो रिवाज था होगा स्कूल का, एक तरफ से रिवाज ही है क्योंकि गाँव में अभी भी लकड़ियों से खाना बनता है बिल्कुल शुद्ध प्योर। तो अभी भी सारे लड़के लड़कियाँ सारे स्टूडेंट एक एक लकड़ी ले करके स्कूल में जाते हैं, उसी से खाना बनता है। बहुत अच्छी चीज़ अभी तक मेरे को, मतलब आज के इस जनरेशन में मेरे को लगी है, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे स्कूलों में गैस में और स्टोव में इसमें खाना बन रहा है। तो ये बढ़िया कि अपने गांव में अभी भी लकड़ियों से खाना बन रहा है स्कूलों में। तो आप भी कमेंट करिए आपके स्कूलों में, आपके घरों में, आपके गाँव में किस चीज़ से खाना बनाया जाता है। ये देखिए आजकल जो राजमा है, छेमी जो भी है, तो उन पर लकड़ियाँ भी लग चुकी है। इनको अपनी भाषा में कहते हैं अंगवाण, तो अंगवाण भी लग चुके हैं। अब ये फैलेंगे धीरे धीरे जितने जितने बड़े होंगे, वैसे वैसे इन पर छेमी लगने स्टार्ट होंगे, राजमा लगने स्टार्ट होंगे। आलू के चालू बेटा बैगन की टोकरी में, बैगन ने ला तुम्हारा, मम्मी ने प्यार किया, पहले मम्मी ने प्यार किया, चप्पल छोड़ना भी, पहले मम्मी ने प्यार किया, अब पापा ने पैसे दिए, अरे भैया ने लड्डू दिए, लड्डू दिया, नाचेंगे कहाँ से, लड्डू क्या करेंगे, भैया ने लड्डू दिए, खा रहे थे। चल अब सुना, जल की रानी, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ बाहर निकालो और दो दिन अंदर रखो तो ये गुड्डे ने सुसु करा। हाँ, हाँ। पिटाई नहीं करी तूने वो गुड्डे की? किया। क्या बोला तूने? गुड्डे ने बोला ना, तूने गुड्डे को क्या बोला? गुड्डे ने बोला पिटाई कर, मुझे बोले पिटाई करोगे, पिटाई करोगे, पिटाई करोगे बोले। तेरे को इतना गुस्सा रोज आता? हाँ। क्या बोला, फिर से बोल, फिर से बोल, गुड्डे गुड्डे को क्या बोला तूने? गुड्डे ने बोला हाँ। शाली राम दे क्यों